अयोध्या में मस्जिद निर्माण की खबर ने पूरे देश का ध्यान खींचा है और सालों से रुका हुआ मस्जिद का काम जल्द ही शुरू होगा। इस मस्जिद का नाम और पहली तस्वीर हाजी अरफात शेख के शुभ हाथों से प्रकाशित हुई। इस मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय में कई मतभेद थे, लेकिन हाजी अरफात शेख की पहल के बाद देश के सभी विद्वान, मौलाना और मौलवी एक छत के नीचे एकजुट हुए और इस काम के लिए सभी ने जमकर तारीफ की। अयोध्या मस्जिद विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन आज तक मस्जिद निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की गई। इस धार्मिक कार्य में लगातार हो रही राजनीति के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन हाजी अरफात शेख की पहल से के बाद इस भव्य मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित रंग सारदा स्थित मुस्लिम उलेमा परिषद में मस्जिद की पहली झलक देश और दुनिया के सामने पेश हुआ। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के निर्माण के लिए पहली ईंट मुंबई शहर से ले जाएगी और दिग्गज मौलवी, मौलाना और पीठ ईंट को पवित्र इत्र से स्नान कराया। हिंदुस्तान की, मुसलमानों की जो एक तमन्ना रही, पूरी दुनिया के अंदर जहां हिंदुस्तानी बसता है उनकी तमन्ना रही, जो इस दुनिया से चले गए उनकी तमन्ना रही, उनकी दुआओं के बदौलत ये आज दिन हमको देखना नसीब हुआ। कुछ साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन जफर फारूकी साहब, यूपी वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात की, क्या हुआ, कोई माइक है ना, आप ले लीजिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, कोई माइक है, आवाज नहीं आ रही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए आज बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन का इंतज़ार हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा था। ये आज अहम दिन, ना जाने कौन सा अल्लाह वाला इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, जो दुनिया में जिंदा है वो भी दुआ कर रहे थे और जो दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उनकी दुआओं के बदौलत आज ये दिन देखना हम सबको नसीब हुआ। हिंदुस्तान की ये शाही मस्जिद इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी कि जिस मस्जिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के साथ रखा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बाबरकत नाम इस हिंदुस्तान में मोहब्बत लाएगा, नफरतें दूर होगी, दो समाज के अंदर एक दूरियां थी वो नजदीकियां में आएगी। ये बाबरकत नाम की इतनी फजीलत है कि इस देश को तरक्की और तरक्की का रास्ता खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बीच यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और पीर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। उन्होंने दुआओं से इस हाजी अरफात शेख को नवाजा और सभी लोगों ने एक आवाज में लबैक किया कि पूरा हिंदुस्तान
नींव रखने के लिए खड़ा रहेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर से मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट हमने चेयरमैन साहब के सामने पास रखी। ये ईंट अयोध्या के तरफ धनीपुर जाएगी और इस मस्जिद की पहली नींव हमने रखने की आज बुनियाद रखी। कुछ ही दिनों के अंदर ये जो सपना देखा है वो साकार होगा। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जो दी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको यह पता नहीं था, जब वो लिख रहे थे तो हाथ उनके थे लेकिन लिख अल्लाह रहा था। ये आज यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भारत ने अपने दिल में बसाया है। शायद धनीपुर का भी पता नहीं था, जब आर्किटेक्ट अपने भाषण में भी कहा कि मैं एज अ मुस्लिम यहां पे आया हूं। पार्टी तो बिल्कुल होती है सबकी अपनी अपनी, हर कोई अपने अपने पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन मैं पार्टी का नेता बाद में हूं, पहले मुसलमान हूं और मुसलमान की हैसियत से मैं यहां पे आया हूं। एक सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा बोलकर यहां आया हूं। जो जो सरकार से जरूरत लगेगी हम इंशाल्लाह ताला सरकार को रिक्वेस्ट करके विनती करके, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको सरकार की पैसों की मदद नहीं चाहिए, पर उसके अंदर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, गार्डन है, ये सारी चीजें करने के लिए वो जगह छोटी कम पड़ती है, इसीलिए हम अपने पैसे से जगह खरीद कर वहां पे ये सारा इरादा पूरा खड़ा करेंगे। उसमें जो जरूरत लगेगी तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इंशाल्लाह ताला उसके अंदर सरकार से बात करके जो जो करना है वो बिल्कुल कराएंगे। मैं आज के आगे कहूंगा कि ये सारी चीज जितनी भी जमीनें ले जाएगी वो सिर्फ और लेने के बाद किसी की एक मिल्कियत नहीं होगी, वो वक्फ बोर्ड से इनके पास इनकी ट्रस्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट भी दी है, वक्फ बोर्ड के ताबे में ही वो सारी चीज दी जाएगी। वो इंशाल्लाह ताला जरूर वक्त आने पे बताया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बहुत सारे लोग, अब अलग अलग चीजें होगी और बहुत सारी चीजें होगी, उसमें क्या क्या और लाना है, हर वो चीज का हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके। लोग इंशाल्लाह ताला ताजमहल नहीं जाएंगे लेकिन जरूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए हिंदुस्तान जब आएंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने जरूर आएंगे। पहले जो नक्शा पेश किया गया था, वो नक्शा जो पेश किया गया था उसको भी उस विभाग से, उसको उस विभाग से भी अप्रूवल लेने में काफी वक्त लगा था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नहीं, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो विड्रॉ करेंगे। आपने जो बनाया डिजाइन आपने पेश की बहुत अच्छी रही है। कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये कानूनी प्रक्रिया सबसे पहली यही होती है कि आपने जो डिजाइन बनाया है उसको अप्रूव करने में, तो ये अप्रूव करने में कितना वक्त लगेगा? क्या इसके अलावा आप मुझे एजेंसी से, उस विभाग से कोई बातचीत या नहीं? नहीं नहीं, नहीं, नहीं देखिए, अभी चूंकि डिजाइन में चेंज हुआ है हमारे, ये चेंज हुए कम्युनिटी के डिमांड के ऊपर हुआ है, तो डिजाइन में चेंज हुआ उसे हम विद्रॉ करके सेकंड ड्राइंग फाइल करेंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइन फाइल करना होता है और वो फिर अप्रूवल हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, बशर्ते कि आपके डिजाइन जल्दी फाइल हो जाए, उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन जल्दी फाइल हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई टाइम लगना चाहिए। साथ इस ट्रस्ट के अंदर और कौन कौन रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ट्रस्ट बनाई जाए, तो इस ट्रस्ट के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे? नहीं, ट्रस्ट तो बना हुआ है ऑलरेडी, ट्रस्ट बना हुआ है। नहीं, उसमें अभी इस वक्त तो करीब 12 लोग हैं और हमारे 2 ट्रस्टीज यहाँ मौजूद हैं, आप हैं और वो भी हैं डॉक्टर सऊद उज़्ज़मा साहब, 2 लोग यहाँ मौजूद हैं। वो ट्रस्ट पहले से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये बीच में चूंकि ये आपसे मुलाकात यहाँ की विजिट हुई हुआ, जनरल ये पाई गई फीलिंग कम्युनिटी में कि एक ट्रेडिशनल मस्जिद का डिज़ाइन होना चाहिए, और डिज़ाइन को लेकर थोड़ा सा लोगों में बहुत उत्सुकता नहीं थी पुराने डिज़ाइन पर, तो ये डिज़ाइन हाजी साहब ने तैयार कराया, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं उनसे, और ये प्रेजेंटेशन दिया। अब हम फर्दर आगे कार्रवाई इसमें करें। फारूकी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का काम बहुत ही तेजी से चला, वजह क्या रही है कि मस्जिद का काम बिल्कुल उल्टा रहा इसके, और ये मस्जिद का काम बहुत ही सुंदर अभी। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर क्या वजह रही है? आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमको उनको उनका प्रोजेक्ट कंसेप्ट बहुत पहले से था, सालों पहले से, हमें तो 2020 में मालूम है कि ये भी करना है,
यू कांट कंपेयर इट विद राम मंदिर। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात मैंने बताई। देखिए सवाल ये है कि ये मस्जिद अपने आप में एक बात होगी कि हमारी इस्लाम की पांच बुनियाद है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इस बुनियाद पे हम मस्जिद को खड़ा रखेंगे, इस बुनियाद पे होगी। और सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक होगी कि राजा और महाराजा कंपैरिजन जब करेंगे, फना और बका की बात करते हैं तो फना वो होते हैं जो राजा होते हैं। अब जैसे कि आप ताजमहल जाएंगे तो वहां पे ताजमहल में एक आपको मजार नजर आएगी जिसके ऊपर आज चिड़िया कौवे लीपते हैं, उसके बाजू में एक आपको एक दरगाह नजर आएगी सलीम चिश्तिया की जिसके ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, वो बका है। और ये 100% ये मस्जिद बका होगी। इसका सवाल का जवाब ये होगा कि ताजमहल से खूबसूरत एक नायाब चीज हिंदुस्तान में आई, वो सवाल का जवाब होगा कि ताजमहल से खूबसूरत अगर कोई चीज होगी तो उसका सवाल का जवाब होगा वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। सर सर जिलानी मुस्लिम फैसला कोर्ट के जो एक्शन कमेटी के जो पीछे थे और बाबरी मस्जिद का पूरा केस लड़ा, उन्होंने जब 5 एकड़ जमीन मिली थी तो उस टाइम पे उनका ये कहना था कि गुजरात में मस्जिद नहीं बनाएंगे, इसको किस तरीके से आप देखिए? वो तो इस दुनिया में नहीं है और उनका वो स्टेटमेंट फसल ला बोर्ड के ऐसे उनके स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहूँगा उनका स्टेटमेंट, क्योंकि कई चीज़ें थी, वो वकील भी थे बोर्ड के, हमारे बोर्ड के वकील थे और पर्सनल लॉ बोर्ड के में भी पोस्ट होल्डर थे और उनकी एक अपनी अलग एक्शन कमेटी भी थी, तो वो किस हैसियत से थे उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो अब आपको ये कहना था कि मस्जिद के बदले मस्जिद नहीं ली जा सकती क्योंकि ये शरीय कानून में ये नई चीज नहीं आती कि चाहे मस्जिद तामीर है उसके बदले में। अब ये आप उनसे पूछे के खिलाफ, ये शरीयत के खिलाफ? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं जी रानी साहब कहाँ सा बन रहा है, ये ट्रैप है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक धर्म अपनी एक बात रखता है, मेरा धर्म ये सिखाता है हर एक मज़हब की इज्जत करना, तो कभी भी किसी भी चीज़ से कंपेयर कोई किसी ने भी करना नहीं चाहिए। यह होना चाहिए वहाँ पे एक ऐसा पैगाम होना चाहिए दोनों जगह हिंदू और मुसलमान जाए और एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। जगह राम मंदिर जो लेख देखने जब कोई जाए तो ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए वो वहाँ पर आए, तो इस तरीके से होगा। फिश एक्वेरियम होगा तो वहाँ पर हर धर्म का आदमी आके उस फिश एक्वेरियम को देख सकता है, हर एक चीज़ को देख सकता है। मेरा धर्म ये सिखाता है आपस में सबको गले लगाओ और गले लगा के मोहब्बतें बांटो, यही हम समझते। हम कभी भी किसी को अलग इस दिए देश में हमारे पैगंबर ने और सरकार गरीब नवाज ने ये तरबियत हमको दी है। नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाजी साहब, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका विरोध करना चाहेंगे, ऐसी ताकतों को आप कैसे रोक पाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोध नहीं करेगा, ये बाबरकत नाम मोहब्बतें लाएगा, ये बाबरकत नाम 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों का आज वो किताब बंद होगी और ये नफरत है मोहब्बत में बदल जाएगी, मुझे ये यकीन है। क्योंकि आपने कहा कि बुखार हॉस्पिटल जो है हिंदुस्तान में 5 हॉस्पिटल चलाता है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपने कहा कि अयोध्या के अंदर बुखार का जो है वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो उससे आम लोगों को कितना फायदा होगा और क्या बुखार हॉस्पिटल जो है वहाँ पर तामीर होने के बाद इंशाल्लाह ताला उसका पूरा ख्याल रखेगा कि हॉस्पिटल, मैंने आपको कहा कि वकावड हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो इमदादिया फंड पे बनने जा रहा है, इमदादिया हॉस्पिटल होगा। उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर जो घुसेगा उसको 2 रुपये फॉर्म का भी भरना नहीं पड़ेगा, इस तरीके का भी ख्याल रखा जाएगा। ये हॉस्पिटल हर एक चीज का, दवाई का, इलाज का, और यहाँ तक के उसको टिफिन लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला।